Hello my friends, welcome to B Edu Care. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk about the GLC Mumbai. Guys, इसके फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यूज चेक किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप लीगल प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो और आपको एनएलयू नहीं मिल रहा है, डोंट वरी एट ऑल, अगर आपको GLC मुंबई मिल चुका है देन इट्स वर्थ इट. यस गाइज, एक पर्टिकुलर एनएलयू जितनी फैसिलिटी देता है, ऑल्दो मुझे यहाँ फैसिलिटी तो नहीं दिख रही, लेकिन मैं बात करूंगा गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैं सारे फायदे और सारे नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा. क्या ये गवर्नमेंट टैग इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को हमें टारगेट करने के लिए मजबूर करता है, या फिर सीरियसली इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें पता नहीं है. सो गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करूंगा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द GLC मुंबई. क्यों आपको इसे टारगेट करना चाहिए और क्यों इसे टारगेट नहीं करना चाहिए. लेकिन एक बात सही है गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर 5 years प्रोग्राम और इवन फॉर 3 years प्रोग्राम, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी द GLC मुंबई. चाहे आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो और इवन यू आर OMS कैंडिडेट अदर देन महाराष्ट्र स्टेट. सो वाई, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके माइंड में, आई नो, लेट्स टॉक इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आप सब जानते हो कि अगर GLC मुंबई टारगेट करना है तो आपको MH लॉ सिटी के लिए प्रिपरेशन करना है, राइट? अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, डोंट वरी एट ऑल, एट बी एडू केयर यू विल गेट प्रिपरेशन फॉर MH लॉ सिटी 3 years एंड ऑल्सो फॉर 5 years एंड इवन फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव लॉ एंट्रेंस एग्जाम. सो वेरी फर्स्ट वन, आप कॉलेज कैसे डिसाइड करते हो गाइज? लोकेशन वाइज वो कॉलेज कहाँ है मैटर करता है, उसकी रैंकिंग क्या है, फैसिलिटीज क्या हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या ROI मिल रही है क्योंकि फी स्ट्रक्चर काफी कम है या फिर फी स्ट्रक्चर हाई है, कैंपस फैसिलिटीज कैसी है, फैकल्टीज कैसी है, कॉलेज का रेपो कैसा है, कॉलेज की टैग वैल्यू क्या है एंड इवन क्या एक्सपोजर है, क्या इंटर्नशिप वहां से मिलती है हमें. ये सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज कितना अच्छा है. ओके गाइस, सो इसी के बेस पर हम बात करने वाले हैं GLC मुंबई को लेकर. सो जब भी आप कॉलेज सर्च करोगे, आप जो स्टेटस है वो सेलेक्ट करोगे गवर्नमेंट, गाइस आपको एक ही कॉलेज मिलेगी, चाहे आप लॉ 3 years के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे आप लॉ 5 years के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. 3 years प्रोग्राम को लेकर देयर आर 300 सीट्स एंड 5 years प्रोग्राम को लेकर देयर आर 180 सीट्स. यहाँ सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी है, ठीक है गाइज. सो एक ही पर्टिकुलर कॉलेज जब हमें मिल रही है, यानी कि कुछ तो बात है. सो गाइज अगर आप ढूंढ रहे हो एक टॉप कॉलेज, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो फिनिश होती है एट GLC मुंबई. सो पहले तो बात करेंगे नुकसान के बारे में. स्टॉप, रुक जाओ गाइस, क्यों आपको इसे टारगेट नहीं करना? यार 4 story बिल्डिंग है, सिंपल सा बिल्डिंग है, कुछ खास फैसिलिटीज नहीं है. कैंपस की बात करूं, ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बस चर्च गेट स्टेशन से उतरे, सामने कॉलेज का गेट है, कॉलेज के गेट के अंदर गए, कॉलेज आ गई, 4 story बिल्डिंग, दैट्स इट, खत्म. यार ये तो आते ही खत्म हो गया. कैंटीन फैसिलिटी, यस कैंटीन फैसिलिटीज है. क्लासरूम, अच्छे क्लासरूम है, लेकिन वेल इक्विप्ड नहीं कह सकता, जैसे कि इतने टेक्निकल साउंड नहीं है. इवन मैंने कुछ रिव्यूज देखे जहाँ कॉरिडोर्स वगैरह जो फैसिलिटीज जैसे दिखनी चाहिए. अगर मैं बात करूँ NLUs के बारे में, ऑल्दो NLUs यार नेशनल यूनिवर्सिटीज है, चलो इनको रख देते हैं साइड में, कोई भी अनएडेड कॉलेज ले लो या फिर इवन एडेड कॉलेज ले लो, उस हद तक तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें से टारगेट करना है. क्यों? और भाई नुकसान तो पूरे होने दो. स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं, यार ये भी फैसिलिटी नहीं है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक टॉप कॉलेज अगर उसे हमें टारगेट करना है देन उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आएंगे. अब उनके रहने के लिए तो जगह चाहिए यार, लेकिन यहाँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी नहीं है. सो ये एक और ड्रॉबैक है, मैं कह सकता हूँ इसे डीमेरिट है या फिर नुकसान है या फिर कॉन्स है. सो गाइज ऐसे में हम टारगेट करें या नहीं करें, क्या करें? ऑल दोज कैंडिडेट जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के कैंडिडेट चलो भाई ठीक है, मुंबई का कैंडिडेट चलो भाई ठीक है, नागपुर का बंदा आ रहा है कैसे आए यार, धुले का बंदा आ रहा है कैसे आए, कहाँ रहे, वैसे गुजरात का कोई बंदा आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, दे ऑल आर टारगेटिंग GLC मुंबई. लेकिन अगर हॉस्टल फैसिलिटी ही नहीं है देन ऐसे में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कैसे करें हम? फी स्ट्रक्चर, या आई नो सर आप फायदे में बताओगे फी स्ट्रक्चर काफी कम है, लेकिन क्योंकि बाहर जो हम प्राइवेट हॉस्टल्स लेंगे या फिर फैसिलिटीज लेंगे उसके लिए तो हमें पैसा ज्यादा लगेगा, उसके लिए तो हमें पैसे वापस इन्वेस्ट करने ही है. सो ऐसे में GLC टारगेट करना है या नहीं करना है? गाइज हम बात करेंगे फायदे के बारे में. सो GLC सबसे बेस्ट फायदा है गाइस लोकेशन. इट्स सिचुएटेड इन मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. यस गाइस, और मुंबई अगर आप टारगेट करते हो देन मुंबई में आपको काफी कुछ मिलने वाला है. लेकिन सबसे बेस्ट जो पैरामीटर है गाइस वो मुझे ये लगा, अगर हमें परस्यू करना है कोई भी मेडिकल डिग्री देन बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास में ही हॉस्पिटल सिचुएटेड होगा, राइट? जो BMS के स्टूडेंट होते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, इनके लिए क्यों हॉस्पिटल्स नियर बाय होते हैं? क्योंकि इन्होंने जो क्लासरूम में सीखा है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस वो सब कुछ सीख सके एट रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल, राइट। यानी कि यार यहाँ मैंने क्लासरूम अटेंड किया और यहाँ मैं लाइव देख रहा हूँ, इससे बड़ा एक्सपोजर क्या होगा। सो वही एक्सपोजर आपको मिलने वाला है एट जीएलसी, क्योंकि इसके पास ही है बॉम्बे हाई कोर्ट। यस गाइज, काफी सारे लेजेंड्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ, उनके अंडर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बीइंग अ सॉलिसिटर, बीइंग अ क्लर्क, आप एज अ नोटरी काम कर सकते हो। आउटसाइड द बॉम्बे हाई कोर्ट देयर आर वेरियस ऑफिसेस एंड इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। देन इट इज अ हब फॉर ऑल द नेशनल लीगल फर्म्स, टॉप लीगल फर्म्स, बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिसेस एंड द एमएनसीज। सो अगर इन्हें टारगेट करना है तो आपको टॉप सिटीज में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये सारी कंपनीज है टॉप टायर सिटीज में होती है हमेशा। सो द बेस्ट फैसिलिटी इज बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि आप जो भी यहाँ सीखने वाले हो एंड ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल टाइमिंग ऑफ जीएलसी 4 to 5 आवर्स के आपके यहाँ लेक्चर्स होने वाले हैं। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको काफी अच्छा टाइम मिलता है। यू कैन बी एज अ सॉलिसिटर्स एंड व्हाट इज द सॉलिसिटर एग्जैक्टली? इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट for the client who want to take legal advice regarding any particular issue. So guys, as a solicitors legal advice provide कर सकते हो। Basically आप article clerk के रूप में काम कर सकते हो। Add on courses को लेकर काफी सारी facilities आपको मिलती है। आप chartered accountant, chartered security, chartered financial accountant, ये सारे courses के लिए भी आप यहाँ free of cost practice कर सकते हो। Guys, fee structure काफी कम है इस particular institute की, only 6,000 rupees per annum। यार इससे कम तो और क्या फीस होगी। एंड प्लेसमेंट, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं रिक्रूटर्स के बारे में बात करूंगा। एलुमनाई कॉन्टैक्ट या इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन कॉर्पोरेट मार्केट इज देयर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज काफी अच्छी है गाइस, बीइंग इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है यहाँ। द चेन ऑफ लोकल ट्रेन, सो ट्रांसपोर्ट काफी ईजी हो जाता है। ओके, आप कहीं भी हो आप इजिली इस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट कर सकते हो। कॉलेज टैग गवर्नमेंट कॉलेज है, एशिया ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज which is established in 1855, providing quality education since 160 years, guys. Library facilities, जितनी पुरानी ये कॉलेज है गाइज उतनी पुरानी बुक्स भी आपको यहाँ मिलेगी। आप यहाँ बुक्स ले सकते हो 18 centuries की, 1860s की, या सारे नोट्स, सारे ई बुक्स, सब कुछ मिलेगा आपको। सो ये अपने आप में एक खजाना है गाइज। It is being an ocean for all the legal aspirants, जो आप पर्टिकुलर पेबल्स यहाँ से चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। एंड दैट्स वाई गाइज काफी सारे स्टूडेंट जीएलसी मुंबई को टारगेट करते हैं। जब आप इसके एलुमनाई देखोगे तब पता चलेगा कि यार क्यों जीएलसी मुंबई जाना चाहिए। सो गाइज दीज ऑल आर द फैसिलिटीज ओवर हियर, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो या ना हो, बट या यहाँ काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो नियर बाय कॉलेज कंडक्ट किए जाते हैं। इवन द झनकार विच इज वेरी फेमस इवेंट एट जीएलसी मुंबई, सो उसका भी आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिलेगा। सो वो भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए गाइज। यहाँ एक्सपोजर की कमी बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, आपको कॉलेज के आसपास ही काफी सारे हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी, काफी सारे मेस की फैसिलिटीज मिलेगी। इफ यू आर द कैंडिडेट जिसने जीएलसी मुंबई टारगेट किया है और आपको अगर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही है गाइस, डोंट वरी एट ऑल, कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, विल प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जीएलसी मुंबई एंड इवन द हॉस्टल फैसिलिटीज। सो फ्रेंड्स, झनकार इवेंट के साथ ही यहाँ काफी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनली एंड द इंटरनेशनली, वेयर ईच एंड एवरी कॉलेज से यहाँ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इवन द टॉप इंस्टीट्यूट, इवन द टॉप यूनिवर्सिटीज। ओके, सो कॉम्पिटिशन को लेकर देर आर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, प्रेजेंटेशंस, लीगल एड्स को लेकर काफी फैसिलिटीज है यहाँ। ओके, सो जो फैसिलिटीज आप देख रहे हो गाइज एक कैंपस को लेकर, हाँ वो नहीं है, बट ओवरऑल जो लीगल प्रोग्राम को लेकर है वो फैसिलिटीज भर के यहाँ गाइस। ओके, नाउ ड्यू टू द फ्लेक्सिबल टाइमिंग जो 4 to 5 आवर्स के आपके सेशंस है, आफ्टर फर्स्ट ईयर आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। इवन ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर आप पार्ट टाइम एज ए इंटर्न काम कर सकते हो बिसाइड द हाई कोर्ट, जहाँ आपको काफी सारे एडवोकेट्स मिलेंगे एंड इवन द सॉलिसिटर्स, एंड इवन जैसे कि मैंने कहा कि यू कैन बिकम अ सॉलिसिटर्स, आर्टिकल क्लर्क, उसकी भी फैसिलिटीज आपको है, क्योंकि आप एड ऑन कोर्सेज भी यहाँ फ्री में कर सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंड ईयर, जैसे आपकी थर्ड ईयर की जो बैचेस हैं दैट विल बी कंडक्टेड इन द मॉर्निंग, सो प्रोबेबली मॉर्निंग 8 to 12 आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। नाउ योर पार्ट टाइम इंटर्न यू कैन कन्वर्ट इनटू द फुल टाइम, सो वो भी एक आपके पास बेनिफिट है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फैकल्टी यहाँ कैसी है। सो योर फैकल्टी विल बी फ्रॉम द टॉप लीगल यूनिवर्सिटीज, टॉप लीगल फर्म्स, काफ़ी सारे विजिटिंग यहाँ फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इवन द हाई कोर्ट्स के जो लेजेंड्स हैं उनसे भी मिलने का आपको मौका मिलेगा, उनसे भी आप सीखोगे। सो ओवरऑल फुल एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू दी लीगल प्रोग्राम। सो गाइस कोई भी डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके सो मेरे हिसाब से तो गाइस दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट यू शुड टारगेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट एंड द एलुमनाई कॉन्टैक्ट। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के एलुमनाई से हमें पता चलता है कि वो कितना फेमस है। प्लेसमेंट स्टैट्स हो सकता है कभी कम हो, कुछ साल हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छा चला जाता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा उससे लो हो जाता है। कट ऑफ आपको देखना है कि कट ऑफ इस कॉलेज का हमेशा हाई रहता है, ऑलवेज 120 प्लस। सो ये कॉलेज टॉप कॉलेज है। एलुमनाई कॉन्टैक्ट बताता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से कौन कौन पास आउट हुआ है और इसकी टैग वैल्यू क्या है। नाउ विल टॉक अबाउट द टॉप एलुमनाइज ऑफ द जीएलसी मुंबई। गाइस 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीगल एडवाइजर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, रिफॉर्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीनियर काउंसिल्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जब ये सब यहाँ से पास आउट हुए गाइस जीएलसी मुंबई से, देन व्हाई नॉट यू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज। Honorable former President of India Pratibha Bhai Patel, Soli Sorabji, Nani Palkiwala, Lal Krishna Advani, Ram Jetmalani, Fali S. Nariman, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Swaraj Mera Janma Siddh Adhikaar है guys, we all know। So इसी प्रकार अगर आप legal program pursue करना चाहते हैं then GLC Mumbai should be your first अधिकार, your first right और your first preference, जिसे आपको हमेशा टारगेट करना है at 120 plus marks। और ये कब पॉसिबल होगा गाइज, जब आप प्रिपरेशन करोगे at B Edu Care by giving your 100% efforts। yes guys, so top recruiters जब यहाँ काम करना है, टॉप लीगल फर्म्स रैंकिंग वाइज भी अगर बात करूं देन गाइज अमरचंद मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी, अमरचंद मंगलदास, साइरिल मंगलदास, ये टॉप नॉच लीगल फर्म्स है गाइज। इवन द ट्राई लीगल, इंडियाज ओल्डेस्ट लीगल फर्म, एजेडबी एंड पार्टनर्स, खैतान एंड कंपनी, जय सागर एसोसिएट्स, देसाई एंड दीवान जी, तलवार ठाकरे एंड एसोसिएट्स, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस, लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म्स एंड लॉ ऑफिसेस, दीज ऑल आर द टॉप नोच लीगल फर्म्स जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और आपको 6 to 8 लाख का इजीली पैकेज प्रोवाइड करते हैं गाइस पर एनम। यस गाइस 6 to 8 लाख पर एनम का पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ से। सो नाउ बस एक ही बात है कि आप इसे टारगेट करें या नहीं करेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ बताई है, मुझे तो लगता है आई शुड टारगेट द जीएलसी मुंबई, लेकिन हाँ आपका ओपिनियन क्या है गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड इफ वांट प्रिपरेशन, क्योंकि हमें 120 प्लस स्कोर करना है गाइस, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, वांट टू इंटरेक्ट लाइव विद अस, call us on 9702405379. Don't forget to download our app to get the free resources and free mock, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram for all the updates. That's all guys, all the best for your career. See you on the next video.